लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Did you get it? Here it is. Thanks, Mel. This is the last time you'll be thanking me. इस prescription पे और मैं आपके लिए medicines नहीं ला सकती. Really sorry, boss. ये prescription अब पुराना हो चुका है. Pharmacist ने कहा है. जब और pills की ज़रूरत पड़ेगी, तब कुछ और सोच लेंगे. फिलहाल के लिए ये काफ़ी है. दो हफ्ते हो चुके हैं आपके plaster को निकले हुए. अब क्लियरली आप ठीक से चल भी सकती हैं. मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है. बॉस, मुझे लगता है कि आपको इन पेन किलर्स की लत लग चुकी है. यू आर एडिक्टेड टू मॉर्फिन. मैन, आई आस्क्ड फॉर अ पेन किलर, नॉट अ मदर. आई
I didn't mean it that way. Morning. Good morning, John. Where sleeps thy missus? Back in my bed, Sim. Back in my bed. For now, she's decided to end the games and play house. Well, that's good to know. If you need me to pay her another visit, it's on the house for you. जब मैं कोर्ट में थी, क्या सिट का फोन आया था? नहीं, नहीं आया था. मेरा पहला अपॉइंटमेंट क्या है? Well, it was Freddie Owens, मगर मैंने उसे एक घंटा लेट कर दिया. Due to an urgent request. Urgent request? Bob Anand, Karan Khanna's election campaign manager, आपसे बहुत urgently मिलना चाहते हैं. I see. Thank you, David. Thank you, ma'am. Please. Yes, of course. Well, मैं यहाँ क्यों आया ये तो आप जानती ही होगी. जानती हूँ. इतना तो मैं कह सकता हूँ कि करण ने अपनी बीवी का खून नहीं किया. मिस्टर आनंद, इतने सालों में मेरे प्रोफेशन ने मुझे इतना तो सिखाया है कि इस दौर में सिर्फ चेहरे मासूम होते हैं, लोग नहीं. और करण उन लोगों में से नहीं है, और ये मैं साबित कर सकता हूँ. Really? जिस रात बरखा का खून हुआ था, करण मेरे साथ था. मैंने उसके लिए एक फंडरेजर ऑर्गेनाइज किया. काफी बड़े पावरफुल लोग आए. करण ने कुछ ज्यादा पी रखी थी उस रात, तो मैंने सजेस्ट किया कि वो ड्राइव ना करे और मेरे घर पे ही रह जाए. वो सुबह तक मेरे ही घर पे था. I see. लेकिन मिस्टर आनंद, ये सिर्फ आपका बयान है, ये सबूत कैसे हुआ? ये भी तो हो सकता है कि आप मिस्टर खन्ना के लिए झूठ बोल रहे हैं. मैं उसका कैंपेन मैनेजर हूँ, दोस्त नहीं. उसके लिए झूठ बोलूंगा तो उसके साथ साथ मेरे भी रेपुटेशन पे दाग लगेगा. चलिए, फिलहाल आपकी बात मान लेती हूँ. And I guess jail में रहकर ये हो नहीं सकता. इसलिए आपके पास आया. Look, Mr. Anand, मैं आपको कुछ promise नहीं करना चाहती. मैं एक बार Mr. खन्ना से मिलना चाहूंगी, उसके बाद ही डिसाइड कर पाऊंगी कि मैं ये केस लेना चाहती हूँ या नहीं. Sure. I'll be waiting outside. Thank you. You're welcome. Behave yourself. इन लोगों ने हैंडकफ्स तो लगा दिए हैं, पर मुझे मिलने के लिए इनकी जरूरत नहीं थी. ट्रस्ट मी. इट्स टू सून टू ट्रस्ट यू. अगर आप सोच रही हैं कि मैं क्या सोचती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं क्या साबित कर सकती हूँ. मतलब ये मिस्टर खन्ना, कि ऑनेस्टली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी बीवी का मर्डर किया है या नहीं, लेकिन आपके डिफेंस को जरूर फर्क पड़ सकता है. इसलिए अगर आप मुझे सब सच बताएंगे कि उस रात क्या हुआ, आपके लिए बेहतर होगा. क्योंकि अगर प्रोसिक्यूशन जान गई और मैं अनजान रही, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. हकीकत यही है कि मैं इनोसेंट हूँ. मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा है. पुलिस को ये फुटेज आप ही के घर के सीसीटीवी कैमरा से मिली है, जिस रात आपकी बीवी का मर्डर हुआ.
उस रात आप रात के 2 बजे घर पहुंचे थे, उसके बाद 4 बजे घर से निकले और वापस 6:30 बजे पहुंचे। इसी बिना पर पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है। जानता हूं। तो फिर आप ये भी समझते होंगे कि इन फोटोज के सामने बॉब का एलिबाई काम नहीं करेगा। सो यू सी मिस्टर खन्ना, हकीकत वो नहीं होती जो आप मानते हो, हकीकत वो होती है जो साबित की जा सकती है। मैं इस रात बॉब के घर पे था, ये जो कोई भी है मैं नहीं हूं। ठीक है, तो हम जूरी से कह देंगे कि ये आपका जुड़वा भाई है जो लंदन के मेले में खो गया था। आप मजाक कर रही हैं? आप मजाक समझ रहे हैं मिस्टर खन्ना, मुझे भी और कानून को भी। क्या करूं, बात ही ऐसी है, जितना सच बोलूंगा उतना ही आपको झूठ लगेगा। सच बोलने के अलावा आपके पास और कोई चारा भी तो नहीं है। हमारे घर को एक स्पिरिट ने हॉन्ट किया है, बरखा और मैंने, हम दोनों ने उसे महसूस किया है। उसी आत्मा ने बरखा का खून किया है। माय वाइफ, शी वाज किल्ड बाय अ घोस्ट। मैंने कहा था ना, आपको यकीन नहीं होगा। अगर आपको ये लगता है कि एक गोस्ट ने आपकी बीवी का मर्डर किया है, आई कांट आर्ग्यू विद दैट। आई मीन, मैंने भी तो भगवान को नहीं देखा है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है। पर अनफॉर्चुनेटली मिस्टर खन्ना, कानून सिर्फ और सिर्फ इंसानों पर लागू होता है, भूत प्रेत आत्मा पर नहीं। सो यू सी आई कांट हेल्प यू। आपको किसी जादू टोना एक्सपर्ट की जरूरत है, लीगल एक्सपर्ट की नहीं। मिस सिमरन, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत पड़ती है जो उसके सच पर यकीन करे। बस एक इंसान काफी होता है, और मुझे लगा था मेरे लिए शायद आप वो हो सकती हैं। गुड बाय मिस्टर खन्ना। हेलो, इज एनीवन देयर? मिस्टर खन्ना, वी कैन स्टिल सेव योर लाइफ, कम।
ये फोटोग्राफ देखिए, ये इंसिडेंट कल रात को हुआ। करण को लगा ही वॉज हैविंग अ नाइटमेयर, पर जब उसने आंख खोली तो ये मार्क्स उसके बदन पे थे। मिस्टर आनंद, ये आप भी जानते हैं कि इन फोटोग्राफ्स के बेसिस पर हम कोर्ट के सामने कुछ साबित नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। मैं कुछ साबित करने को कह नहीं रहा, मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप करण पर यकीन कर लीजिए, और अगर ये केस लड़ नहीं सकते तो एटलीस्ट बेल दिलाने में मदद कीजिए। फाइन, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। थैंक यू, दैट मींस अ लॉट। मैंने अब तक हाँ नहीं कहा मिस्टर आनंद। ऑल आई सेड इज आई थिंक अबाउट इट। आई नो, बट फॉर नाउ दैट्स मोर देन एनफ। हाय, वी हैव अ टेबल इन द नेम ऑफ सिद शर्मा। ओह यस, ऑफ कोर्स, ही इज वेटिंग फॉर यू एट द टेबल बाय द विंडो। अलाउ मी टू शो यू। He's right over there. Thank you. You're welcome. Hi. I'm so sorry I'm late. You won't believe itna ajeeb case aaya hai mere paas. I actually wanted to discuss it with you. Sorry. Usi ki wajah se late ho gayi. Order kar le. Baatein baad mein hoti rahengi. Sid, are you okay? No hi, no hello. Theek se courtesy kiss bhi nahi. सीधे खाने की बात? इन सब फॉर्मेलिटीज के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कोर्ट वापस जाना है, कितने केसेस रिव्यू करने हैं। ओके, कोर्ट और केसेस के चक्कर मैं भी लगाती हूँ सर, एंड आई नो कि तुम वन ऑफ द यंगेस्ट जजेस हो और मैं एक मामूली सी लॉयर, बट तुम इतने बिजी नहीं हो कि तुम एक फोन कॉल भी नहीं कर सकते। इन सब बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। प्लीज सिमरन, लंच फिनिश करते हैं फिर हम दोनों अपने ऑफिस जा सकते हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद यू सर, तुम इतने अपसेट क्यों हो? अब तो तुम मेरे फोन कॉल्स और मैसेजेस भी इग्नोर करने लगे हो, अचानक से क्या बदल गया हमारे बीच? सिमी, नॉट अगेन। आई एम सो सॉरी। आई कांट डू दिस एनीमोर। आई एम लीविंग। सिड, Did you just walk out on me? तुम इतने upset क्यों हो? मैंने किया क्या है? जब से तुम्हारे dad की death हुई है, तब से तुम ये दर्द का बहाना देके अपनी morphine addiction को justify कर रही हो। It's crazy. तुम्हें मेरे दर्द का कोई अंदाजा नहीं है सिर। तुम्हें नहीं पता कि मेरा दर्द कितना गहरा है। That is the point. That is the point, Simran, कि मुझे कोई अंदाजा नहीं है। But as your boyfriend, मुझे अंदाजा होना चाहिए। I don't know what screwed you up. तुम्हारे parents का divorce या तुम्हारे only child होने का problem. और तुम उसे कुछ शेयर करती ही नहीं हो। मैं सब कुछ तो तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ। I tell you everything. मैं तुम्हारे दिल की बात कर रहा हूँ सिमरन, तुम्हारे दिल की बात जो तुम किसी से नहीं बताती। You know what? You are an emotional miser. That's what you are. डरती हो तुम प्यार करने से, अपने दिल की बात करने से, किसी के सामने खुलने से। अपने दिल के पास ना तुमने ये बाउंड्री बना ली है। Do not come closer than this to Simran. और फिर मुझसे कह के why I'm walking out on you? That's not fair, sir. मैं सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ, you know it. अगर ये सब सच होता, तो तुम्हें मेरी ज़रूरत होती, इन पेन किलर्स की नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है? मैं झूठ बोल रही हूँ, अपने पेन का बहाना बना रही हूँ? ना तो तुम्हारे जख्म दिखाई दे रहे हैं और ना ही तुम्हारे शरीर पे कोई दर्द का निशान। फ्रेंकली स्पीकिंग, तुम पे यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अब तुम्हें मुझ पर कोई यकीन नहीं है? नहीं। You know what, sir? मैं हमेशा सोचती थी कि भले ही पूरी दुनिया मुझ पर यकीन ना करे, लेकिन तुम हमेशा मुझ पर यकीन करोगे। पर आई गेस आई वाज रॉन्ग। गलत तो मैं था सिमरन, जो तुम्हारे जैसी लड़की पे अपने इमोशन वेस्ट करता रहा। सॉरी टू से, बट यू आर अ लॉस्ट कॉज, अ बैड बैट, एंड आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर ऑफ माय टाइम ऑन यू। हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ उसे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है जो उसके सच पर यकीन करे।
बस एक इंसान काफी होता है। मैं हमेशा सोचती थी कि भले ही पूरी दुनिया मुझ पर यकीन ना करे, लेकिन तुम हमेशा मुझ पर यकीन करोगे। मिस्टर खन्ना की बेल की तैयारी कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। मैं विल कोऑर्डिनेट विद यू। हेलो, इज समवन देयर? लूसी, आर यू स्टिल हियर? हेलो, इज समवन देयर? Mr. Khanna has been a model citizen. He's a public figure and his life is pretty much out there in the open. The court will do its due course in removing all the allegations made against him. But until then, he has responsibilities to fulfill. Your Honor, Mr. Khanna is a citizen of Britain and a responsible electoral candidate. He will be Pleases Your Honor, my client has agreed for the state to record all his telephonic conversations. He has also agreed to waive his right to privacy to make the Honorable Court believe in his honest intentions. Thank you.
I'm sorry, I'm... Simran! Simran! Wait, please. Simran. I'm sorry you had to see that. तो ये वजह थी कि तुम मुझ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, अपना सच बताने की हिम्मत नहीं है, तो मेरे सच पर सवाल उठा रहे थे। ओवर रिएक्ट कर रही हो सिमी, हमारे बीच जो भी कुछ था वो खत्म हो चुका है। जब रिश्ता नहीं है तो मैं क्या करता हूँ वो मेरी लाइफ, इतना ड्रामा। नो ड्रामा, मैं सिर्फ अपना सामान लेने आई थी, चाबी ऊपर कमरे में छोड़ दी है। और फिर तुम कहते हो कि मैं इमोशनल माइजर हूं, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करती, अपना दर्द शेयर नहीं करती। तुमसे तो डिपेंडेबल वो पेन किलर्स हैं, मेरा दर्द कम तो नहीं करते, कम से कम दर्द देते तो नहीं है। I cannot give you this medication from this old prescription. It's just that I've had no time to see a doctor and just in a lot of pain. If you could just give me the pills. Simran, you're a lawyer, you know the law. We can get into big trouble for this. I'm sorry, I can't. Thanks for nothing, Richard. मिनट में ऑफिस में थी और अब क्या हुआ मुझे? डॉक्टर ने कहा आपको विड्रॉल अटैक हुआ है, मॉर्फिन के ओवर यूज से आपके बॉडी को उसकी आदत हो गई है और ना मिलने की वजह से सिवियर विड्रॉल हुआ है। मैं मॉर्फिन पेन के लिए लेती हूँ। कुछ हफ्ते पहले मेरे पापा गुजर गए थे, उसके थोड़े वक्त बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें आई स्प्रेन माय एंकल। उसी दर्द के लिए मॉर्फिन लेती हूँ। इस किस्म के दर्द से मैं वाकिफ हूं, पर जहां तक मेरा तजुर्बा है इन दवाओं से अब शरीर के जख्म भर सकती हैं, दिल की नहीं। आप अपने जज्बात को दबा के रखती हैं ना। मैंने भी जिंदगी में कई दर्द देखे हैं, बस यूं समझ लीजिए कि आज मेरे दर्द ने आपके दर्द को पहचान लिया। कभी कभी जो बातें अपने नहीं समझ पाते वो अजनबी पहचान जाते हैं।
अनकही हैं जो बातें कहनी है तुमसे ही, क्यों ये नजरें मेरी ठहरी है तुम पे ही। रूह का रिश्ता ये जुड़ गया, जहां तुम उड़ा मैं भी मुड़ गया, रास्ता भी तो है तेरी ही जरूरत है मुझे, ये कैसे समझाऊं मैं तुझे, मांगता हूँ तुझे यार तुझसे ही। रूह का रिश्ता ये जुड़ गया, जहाँ तुम उड़ा मैं भी मुड़ गया, रास्ता भी तू है मंजिल भी तू ही। हाँ तेरी ही जरूरत है मुझे, ये कैसे समझाऊं मैं तुझे, मांगता हूँ तुझे जैसे छुपा खुद से ही, महकूं खुशबू से जिसके बन वो कस्तूरी। रूह का रिश्ता ये जुड़ गया, जहां तुम उड़ा मैं भी मुड़ गया, रास्ता भी तू है मंजिल भी तू ही। हाँ तेरी ही जरूरत है मुझे, ये कैसे समझाऊं तुझे, मांगता हूँ तुझे यार तुझसे ही। जब से मिला हूँ तुझसे बस ना रहा है खुद पे, बोलती आँखों ने जादू कर दिया, बख्श दे मुझे खुदारा। मैंने जब उसे पुकारा हो गई खता, तेरा नाम ले लिया साथ हो जो उम्र भर वो खुशी। जिंदगी में पहली बार आज कहने को अपना घर है। हर कमी मॉम डैड के डिवोर्स के बाद, कभी मॉम का घर कभी डैड का तो कभी हॉस्टल्स। Thank you for helping me find this one. You're welcome. अजीब बात है ना, तुम मेरे पास आए थे अपनी जान बचाने के लिए और मेरी जिंदगी संभालने में लगे। मैंने पहले तो नहीं कहा, but I'm really grateful. Thank you. Happy to help. कहीं ये सब तुम्हारी चाल तो नहीं, मुझे अपना केस लड़ने के लिए मजबूर करने की? आखिर पॉलिटिशियन हूँ, हिडन एजेंडा तो होगा ही। आई गेस देन इट्स अ डील। मैं तुम्हें जेल जाने से बचा लूंगी और तुम मुझे हॉस्पिटल जाने से रोक लेना। डील। इन लीगल पार्लेंस वी कॉल इट टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। लॉ कहता है कि जब तक किसी मुजरिम का गुनाह बिना किसी शक और शुबा साबित नहीं हो जाता, उसे सजा नहीं दी जा सकती। हमें सिर्फ प्रोसिक्यूशन के केस में इनफ डाउट्स क्रिएट करने होंगे। मर्डर प्रूफ करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं, प्रोसिक्यूशन की है। पर उसके लिए हमें प्रोसिक्यूशन का केस ठीक से जानना होगा ना? यू आर राइट, लेकिन फिलहाल आप हमें अपना बयान दीजिए, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, एवरीथिंग। कोई भी बात कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसे फिल्टर मत करना। एब्सोल्युटली नो सीक्रेट्स। ऑन पेपर बरखा और मैं, वी वर अ गुड मैच। बरखा को उसकी एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल मिल रही थी और मेरे पॉलिटिकल करियर के लिए भी इट वॉज द राइट मूव। उस दिन वैलेंटाइंस डे था, मुझे अच्छी तरह याद है। इसलिए नहीं कि वो वैलेंटाइंस था, मगर इसीलिए क्योंकि उसी दिन से ये सारी कहानी शुरू होती है।
कौन है? थैंक यू। आप पता नहीं ये देने आया था। ये क्या है? वाव, काफी रोमांटिक गिफ्ट है। हाँ, रोमांटिक तो है। क्या मैं इस मेहरबान को जानता हूँ? नहीं, कोई नहीं जिसे तुम जानते हो। इनफैक्ट मैं खुद नहीं जानती है किसने भेजा है। वाह, कोई इतना बड़ा कदरदान है तुम्हारा और तुम्हें खुद नहीं पता? जिसने दिया उसे नहीं पूछा? मैंने पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, बस वो दिया और फिर वो चला गया। जाहिर है कोई सीक्रेट एडमायरर होगा तुम्हारा। अच्छा है ना, कोई तो है जो वैलेंटाइंस डे पे प्यार जताना जानता है। तुम तो प्यार के लिए मरी जा रही थी ना, सारे बहाने समझता हूँ तुम्हारे। हाउ डेयर यू, तुम कहना क्या चाहते हो? कि मेरा अफेयर चल रहा है किसी के साथ? मुझे बेवकूफ मत समझो बरखा। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों तुम इतनी कटी कटी रहती हो? जाहिर है तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी है। कोई इविल स्पिरिट है जो मुझे जान से मारना चाहती है। इट वॉन्ट्स टू किल मी। आई एम रियली स्केयर्ड करण, एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। लेकिन तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। मैं जानता हूं तुम सच बोल रही हो। क्या तुम जिस आत्मा की बात कर रही हो मैंने भी उसे महसूस किया। कोई हंसने की आवाज आती है और फिर वो खून के धब्बे और फिर वो भयानक चेहरा। करण, जब मैं कल रात सोई थी तब मेरे हाथों पे कुछ नहीं था और मैं सुबह उठी तब ये निशान थे। ये जो कुछ भी है इसका हल तो निकालना होगा। बरखा और मैंने बहुत कोशिश की ये पता लगाने की कि वो स्पिरिट थी किसकी, व्हाट डिड इट वांट फ्रॉम अस, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैंने सोचा कि घर को क्लेंस करा लूं, शुद्धि करा दूं उसकी, और मैंने ऐसा किया भी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर उस दिन सुबह जब घर वापस आया तो इट वॉज टू लेट, बरखा वॉज डेड। अगर उस घर में इतनी प्रॉब्लम्स थी तो आप दोनों ने वो घर छोड़ क्यों नहीं दिया? सोचा हमने, लेकिन फिर मैंने कहा उससे कि हम ऐसा कुछ ना करें जिससे मीडिया को चांस मिले जोक्स बनाने के लिए। एमपी रन्स फ्रॉम गोस्ट, ऑल दिस काइंड ऑफ हेडलाइंस आर नॉट वेरी हेल्पफुल आर दे। बॉब, मैं चाहती हूँ कि तुम करण के पार्टी लीडर से बात करो, उनका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Had I been guilty, I would have swiftly resigned and saved the party any scandals. But I'm innocent. We do believe in your innocence. We do. But times are tough indeed. Indeed. Times are tough indeed. But I have an idea. Should we all agree? Excuse me, gentlemen, I have to take this. My apologies. I was saying, should we all agree? I have an idea to get us out of this mess. Hello? Shyam 7 baje ghar aa jana. तुम उसकी एक से पैसे कमाओ।
शरीफ लोग गलतियां नहीं करते। मैंने कहा ना, मिलियन पाउंड्स कोई छोटी रकम नहीं होती जो घर पे पड़ी होती है। मुझे वक्त चाहिए इंतजाम करने के लिए। तो कीजिए ना, पूरे 24 घंटे आपके पास। लेकिन उसके बाद मैं खुद मीडिया के पास जाकर करण खन्ना की शराफत नीलाम करूंगा। पूरे 24 घंटे। This institute closing down. आप इंडियन हैं या पाकिस्तानी? जी मैं इंडियन हूँ। मैं भी बर्मिंघम से। तो आप यहाँ काफी सालों से काम करते हो? जी बहुत सालों से। क्या आप इन्हें पहचानते हो? अरे इसे कैसे भूल सकता हूँ मैं? इसी की वजह से तो ये इंस्टीट्यूट बंद हो रहा है। Hi, this is Karan Khanna. Please leave me a message and I'll call you back. Karan, मुझे पता चल गया कि वो बुरी आत्मा कौन है। मैं घर आ रहा हूँ तुम्हें लेने। फिर हम सिमरन से मिलने जाएंगे, ठीक है? Son and the Holy Ghost, Lord our God, you are the source of life. In you we live and move and have our being. Keep us in life and in death in your love and by your grace. Karan, मुझे पता चल गया कि वो बुरी आत्मा कौन है। मैं घर आ रहा हूँ तुम्हें लेने। फिर हम सिमरन से मिलने जाएंगे। समझ नहीं आ रहा ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। Where did I go wrong? What do you mean by where did you go wrong? बरखा का खून होना, उसका इल्जाम मुझ पर लगना और अब बॉब का खून। जैसे मेरे आसपास ये बुरे हादसों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। करण बॉब के साथ जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था। Come on, वो हमें कॉल करता है कि उसे सब पता चल गया है। And the next thing we know, वो मर चुका है। I guess you're right. फिलहाल परेशान मत हो करण, वक्त आने पर हम सारे सवालों का जवाब ढूंढ लेंगे। कैसे परेशान ना हूं जब मेरे हालात मुझे चैन की सांस लेने का मौका ही नहीं दे रहे।
हालात जैसे भी हो करण, हम उन्हें अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दे सकते। तुम्हारे लिए बहुत आसान है ना ये कहना। And what is that supposed to mean? तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मेरी सच्चाई कोर्ट में काम आएगी नहीं, और अभी तक जो भी किया है तुमने उससे कोई खास फायदा तो हुआ नहीं है केस में। इस स्पिरिट से मैं नहीं जीत सकता, पर अपनी सच्चाई कोर्ट में साबित कर सकता हूँ, जो अनफॉर्चुनेटली तुमसे नहीं हो पा रहा है। मैं बॉब के कहने पे तुम्हारे पास आया था। मैंने उसे कहा था कि हमें कमीना लॉयर चाहिए, एक ऐसा लॉयर जो सीधी नहीं टेढ़ी उंगली से काम निकालना जानता हो। आई डोंट थिंक यू आर द राइट लॉयर फॉर मी। आई सी, सो नाउ आई एम नॉट राइट। यू नो व्हाट करण, यू आर राइट, तुम्हें अपने लिए कोई और लॉयर ढूंढ लेना चाहिए और इसी वक्त मेरे घर से निकलना चाहिए। जिंदगी पर जो ग्रहण लगा हुआ है उसके काले साए तुम्हारी जिंदगी को भी निकल जाएंगे। तुमसे दूर रहना मंजूर है, मगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। मैं थक गई हूं करण, इन आधे अधूरे रिश्तों से थक गई। देखा है जब से तुमको मैंने ये जाना है, मेरे ख्वाहिश के शहर में बस तेरा ठिकाना है। मैं भूल गया खुद को भी, बस याद रहा अब तू, आ तेरी हथेली पे इस दिल को मैं रख दूं। दिल बोल रहा है हसरत हर हद से गुजरने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। तेरे संग चलूं हर दम बन कर के परछाई, एक बार इजाजत दे मुझे तुझ में ढलने की। थोड़ी सी टूटी हुई हूँ, फीलिंग्स मुझे कंट्रोल कर ले, उससे पहले मैं उन्हें कंट्रोल कर लेती हूँ। अजनबियों की दिल की बात सुन लेती हूँ, पर अपने दिल की बात अपनों से नहीं कर पाती। ऐसी आती अधूरी लड़की जो आई लव यू कहने से डरती है, क्या तुम ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी में जगह दोगे? दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। तेरे संग चलूं हर दम बन करके परछाई, एक बार इजाजत दे मुझे तुझ में ढलने की। सिमरन सिंह, राइट? आई एम सॉरी तुम्हें यहाँ इंतजार करना पड़ा। I was in the school discussing the syllabus. Took a little time. No problem. मुझे यहाँ आए हुए ज़्यादा देर नहीं हुई। Come, please take a seat. Thank you. जितना आपके बारे में पढ़ा है उससे इतना तो पता चल गया कि आप मेरी मदद कर सकती हैं। आपको supernatural के बारे में काफी जानकारी है, right? Supernatural के बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता। और अगर कोई ऐसा कहे तो वो झूठ होगा।
सुपरनैचुरल का मतलब ही यही है, जो समझ के परे हो। मैं एक साइकिक हूँ और मुझे विजन्स आते हैं। उसी के बिना पर जितना हो सके मैं लोगों की मदद करती हूँ। ओके, सो लेट्स बिगिन। फोन पे तुमने जितना मुझे बताया उससे मुझे इतना समझ में आया कि तुम अपने क्लाइंट के केस के सिलसिले में मिलना चाहती हो, राइट? यस। ओह माय गॉड। व्हाट? शायद मुझे कुछ नजर आ रहा है। एक मकान है, काफी बड़ा मकान है। नहीं, मकान नहीं, होटल है। हाँ, होटल ही है। यहाँ से कुछ दूर शहर के बाहर, नाम है वॉरिंगटन। हाँ, होटल का नाम है द वॉरिंगटन। हाय, सब ठीक तो है ना? याद है मैंने तुमसे एक साइकिक का जिक्र किया था? मैं उससे मिलने गई थी और सेशन के दौरान एक होटल का नाम पता चला, द वॉरिंगटन। फिर मैं वहां भी गई थी और मैनेजर को बहुत कन्विंस करने के बाद मुझे सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस मिला उस रात का, जिस रात तुम्हारी बीवी का मर्डर हुआ। लेट्स टेक अ लुक। बॉब के घर पे थे। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। I can explain this। क्या explain करोगे कारण? What will you explain? कि ये भी कोई बुरी आत्मा है जिसने होटल में ऐश करने के बाद तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी बीवी का खून किया। Is that what you're going to say? नहीं, मैं ही हूँ। Just stop it, कारण। मैंने कहा था ना तुमसे, मुझसे कुछ भी छुपाओगे तो उसमें नुकसान तुम्हारा ही होगा। लेकिन मैं गलत थी, नुकसान मेरा ही हुआ। मेरे जज्बात, मेरा यकीन, तुम जिस यही होगा कि तुम अपना केस किसी और लॉयर के पास ले जाओ जो तुम्हारी तरह मक्कार हो। सिमरन, सिमरन उठो। सिमरन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सिमरन प्लीज। किसी और महिला के साथ। जाहिर है कि शहर से इतनी दूर मिस्टर खन्ना एक प्राइवेट होटल में पॉलिटिक्स तो डिस्कस करने नहीं गए होंगे। आइए हमारे संवाददाता नितिन रावत से बात करते हैं जिन्होंने इस सीसीटीवी फुटेज को बरामद किया।
एक रिपोर्टर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम सच लोगों तक पहुंचाएं। करण खन्ना जैसे पॉलिटिशियंस पब्लिक के वोट से इलेक्ट होकर आते हैं और फिर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह क्यों फेर लेते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। Mr. Khanna, your lawyer is late, up to a full 15 minutes. Please tell the court if your lawyer has left the case or if you have appointed a new lawyer. Your Honor, I'm sure she's on her way. I'm sorry, Your Honor. I'm so sorry. The tubes were on strike and the cab took forever. I had to spin all around town. My apologies. You're lucky in this acceptable excuse, Miss Singh. Otherwise, blaming the traffic is a bit of an old one. Now, with your permission, can we start the proceedings? Yes, Your Honor. Absolutely. Simran. Aaj aane ke liye, thank you. I'm very grateful. आना तो नहीं चाहती थी, फिर सोचा अगर ऐसे हालात में तुम्हें धोखा दे दूँ तो तुम में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी ली थी, बस वही पूरी कर रही हूँ। इसे प्रोफेशनल कर्टेसी से ज़्यादा और कुछ मत समझना। मुझे हर इल्ज़ाम मंजूर है, पर एक बार मेरी बात तो सुन लो। स्टॉप विद द बुलशिट करण। यू नो व्हाट स्ट्रेंज, ये जिस्म बेवफाई नहीं समझता लेकिन दिल समझता है। दैट्स व्हाई आई fall in love. और फिर पूरी दुनिया कहती है कि सिमरन सिंह इज एन इमोशनल माइजर, अपने दिल के करीब किसी को आने नहीं देती। क्यों आने दूं? ताकि हर बार कोई मेरा दिल तोड़कर चला जाए। क्यों किसी पर इमोशनली डिपेंडेंट रहूं जब मुझे पता है कि आखिर में मुझे अपनी फीलिंग्स खुद संभालनी होगी। तन्हाई और अकेलेपन में बहुत फर्क होता है करण। किसी की जरूरत मुझे तन्हा कर दे, उससे अच्छा यह है कि मैं अपने आप में अकेली रह जाऊं। So thank you for everything, Mr. Khanna. But no thank you. Thank you.
वही लड़की है जो उस रात तुम्हारे साथ थी? हाँ, मगर ये फोटो तुम्हें कहाँ मिली और ये लापता कैसे हो सकती है? इसने तो कहा था कि जब मुझे ये फोटोग्राफ मिली तो मैं नीना के पास गई थी। जब सिमरन मुझसे मिलने आई थी तो उसने ये पिक्चर दिखाई, उसके बाद मुझे विजन्स आने लगे। आई सॉ रेचल लाइंग डेड और समबडी जिसका चेहरा मैं देख नहीं पाई, वो रेचल की लाश को फॉरेस्ट में दफना रहा था। देयर वर सम क्रिसमस लाइट्स एज वेल इन द बैकग्राउंड। क्रिसमस के वक्त इस लड़की का मर्डर हुआ था, उसके 2 महीने बाद वैलेंटाइंस डे पर तुम्हारे घर पर हॉन्टिंग शुरू हुई थी। इसका मतलब तुमसे मिलने से पहले ये मर चुकी थी। अब वक्त आ गया है कि हम सारे क्लूज जोड़ कर देखें, तब जाकर हमें हकीकत का पता चलेगा। उस रात बॉब और मैं एक फंडरेजर अटेंड कर रहे थे। फंडरेजर होटल वॉरिंगटन में था। बॉब कुछ इन्वेस्टर्स के साथ बिजी हो गया और मैं बार में अकेला था। Some candidate is buying me a drink. Does it mean he's bribing the electorate? No, I think it's more like serving the constituent. Oh, exactly the answer I would like to hear. You, sir, have my vote. And you, my lady, have got yourself another drink. Arnie, could you give this lady another round of whatever she's having, please? Sure, sir. Your finger's bleeding. You seem to have cut yourself. Oh, it's nothing. Cut my hand trying to get that damn can of tonic to open. You should be careful. That could get infected. Perhaps you could make it better. I'm sorry. I don't understand. Not serving the constituent now? Going to let my poor finger bleed? You can keep the kerchief. Enjoy your drink and make sure you don't drive home. Jalte bujhte madham madham taron mein lipti raat hai kaise jaane de tumhe tumse judi जलते बुझते मध्यम मध्यम तारों में लिपटी रात है कैसे जाने दे तुम्हें तुमसे जुड़ी हर बात है का खून हुआ। मैं रेचल के साथ ही था, मगर ये बात मैं किसी को नहीं बता सकता था, इसलिए बॉब के कहने पर हमने एक झूठी कहानी बनाई। मगर हकीकत यही है कि उस रात की कई बातें मुझे याद ही नहीं। मैं होटल के उस कमरे में कैसे पहुंचा, वहां से कब निकला, कुछ भी नहीं। और फिर जब घर पहुंचा
तो बरखा को मरा हुआ पाया। पोजेशन, इट्स अ केस ऑफ पोजेशन। व्हाट? हाउ? स्पिरिट्स कैन पोजेस बॉडीज, क्योंकि यही तो रूह और जिस्म का संबंध है। ये हुआ डेड रेचल पर, किसी बुरी आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया और उसके जरिए करण तक पहुंची। फिर उसी आत्मा ने करण पर कब्जा कर लिया और उसके जरिए बरखा का कत्ल कर दिया। करण पोजेस था जब वो रात को 2 बजे घर आया, और पोजेस था जब मर्डर करके सुबह 4 बजे निकला। That is why he doesn't remember anything. This is a very nasty spirit. इसलिए उसने जानबूझकर तुम्हें होटल रूम में ले जाकर वो सब किया, ताकि सबको लगे तुम्हारा अफेयर चल रहा था, और इसलिए तुमने अपनी बीवी का मर्डर किया। It gave you a motive to murder. मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, कौन मेरे साथ ये करना चाहेगा? मेरी बीवी को मारकर, मुझे अपने जाल में फंसा कर इस तरह मर्डरर क्यों दिखाना चाहिए? सिमरन, नीना, सिमरन, 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 I'm so sorry, Neena. मेरी वजह से तुम भी इस घोष के चक्कर में फंस गई। नहीं, तुमने जान बचाई। Very evil spirit. Sorry, miss. This is a crime scene. I can't have you wandering around in there. I'm sorry. Locket say he should have why. The locket is a secret. The locket kahan rakha hai tumne? जो बरखा के लिए तोहफा लेके आए थे। Are you sure? Yeah, I'm sure. ये वही है, पर तुम्हें कहाँ मिली? क्या बात है डैड? आज आपका मूड कुछ अलग लग रहा है। ऑल ओके एट द इंस्टीट्यूट? एक
केस है लड़की का, अलग सा केस है, मुझे परेशान करके रखा है बेटा। मेरी साइकाइट्री की जितनी भी नॉलेज है उस पर सवाल खड़ा कर दिया इस लड़की ने। Can't understand। डैड आप ये मेंटल असाइलम वाला जॉब छोड़ क्यों नहीं देते? I don't understand। इतने सालों बाद आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है। In fact, you can start your own practice। I really don't understand आप ये परेशानी क्यों पाल लेते हैं? अब अगर ये इंटरोगेशन खत्म हो गया हो तो हम ऑर्डर करें? Of course। ये लो। ज्वेलरी बॉक्स? Wow, Dad। इतना बड़ा रेड हार्ट और वो भी वैलेंटाइंस डे से एक दिन पहले। What's going on? कुछ नहीं है ये। Oh, come on, don't lie. Who's the woman? मेरा नहीं है ये। किसी और की अमानत है। मुझे बस पूरी जिम्मेदारी के साथ उस शख्स तक पहुंचाना है इसे। इसका मतलब एक पेशेंट के कहने पे तुम्हारे डैड ने वो लॉकेट बरखा को दिया। बरखा और उस पेशेंट का कोई कनेक्शन तो है। बॉब को पता था, शायद इसलिए उस रात वो असाइलम से ही वापस आ रहा था। या दैट मेक सेंस। और उसके अगले दिन Here we go round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush. Here we go round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush. Here we go round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry. Yes? Here we go round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush. Here we go round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush. Here we go round the mulberry bush, the mulberry bush. Excuse me, who are you? Here we go round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush. Here we go round the mulberry. Who are you? What do you want? What? Here we go round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush. Hey, you! Stop, stop, get down, get down! तुम्हारे पापा अपनी स्टडीज जर्नल में लिखते थे। हाँ, और अगर पापा ने उस पेशेंट को ट्रीट किया है तो उसके बारे में जर्नल में कुछ ना कुछ तो जरूर लिखा होगा। वो जर्नल तो असाइलम में होगा ना, जो कि अभी बंद हो चुका है। नहीं, पापा अक्सर देर रात घर पर लिखा करते थे, तो पॉसिबल है कि जर्नल घर पर ही हो। तुम ठीक हो? I'm okay। मुझे बस अपना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा, मेरे पिल्स खत्म हो चुके हैं। प्रिस्क्रिप्शन तुम्हारे पास कैसे है? तुम मेरी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही हो, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी बचाने की कोशिश करूं। तुम जानते हो ना, बिना इन पिल्स के मुझे फिर से विड्रॉल अटैक हो सकता है,
और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा केस कौन लड़ेगा? केस का जो हो सो हो, इस केस के लिए मैं तुम्हारी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। जन्मों जन्म का तुझसे रिश्ता मेरा, मर के भी होंगे ना हम तुझसे जुदा। पाने की तुझको की है हमने खता, अब जो भी दुनिया चाहे दे दे सजा। जन्मों जन्म का तुझसे रिश्ता मेरा, मर के भी होंगे ना हम तुझसे जुदा। पाने की तुझको की है हमने खता, अब जो भी दुनिया चाहे दे दे सजा। जब भी लिखेगा तुझे ही लिखेगा, मेरी तकदीर में मेरा खुदा। जन्मों जन्म का तुझसे रिश्ता मेरा, मर के भी होंगे ना हम तुझसे जुदा। What is the matter, officer? We have an arrest warrant for Mr. Khanna. I'm sorry, officer, but I think you're mistaken. Mr. Khanna is out on bail. And as a matter of fact, I'm his lawyer. This lady is Rachel Bingley. She was last seen on video footage with Mr. Khanna. We have reason to believe Mr. Khanna killed her and left her in the woods. What? That's absurd. You cannot arrest him on the basis of... Please, miss. We have a warrant from the magistrate. If you want to argue it, we'll go to court. If you don't come along quietly, I will charge you for resisting arrest. Officer, this is not... Simran, it's all right. इस वक्त मेरा इनके साथ जाना ही सही होगा। तुम्हें अकेले ही अपने पापा के घर जाना होगा। वो जर्नल हमारे लिए बहुत जरूरी है। Let's go, officer. जनवरी 2019। आज एक बड़ा ही अजीब सा केस आया मेरे पास। पेशेंट का नाम है सोनिया, सोनिया मेहरा। सोनिया, सोनिया तुम रो क्यों रही हो? मुझे मेरा लॉकेट चाहिए। वो लॉकेट मेरे लिए बहुत कीमती है। इस जगह के कुछ कानून हैं और ज्वेलरी यहां अलाउड नहीं है। मैं बीमार नहीं हूं डॉक्टर।
एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। तुम जानती हो मैं कल किससे मिला था? तुम्हारी वो मिसेस खन्ना से। झूठ कह रहे हो ना तुम? बिल्कुल सच बोल रहा हूं। आप कौन से न्यूज़पेपर से हैं? दरअसल मैं किसी न्यूज़पेपर से नहीं हूं। मेरा नाम डॉक्टर सिंह है। कई अरसे से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। यस मिस्टर सिंह, आपके ईमेल्स मिले मुझे, लेकिन यू नो इट्स इलेक्शन टाइम एंड वी हैव बीन रनिंग रियली बिजी। जी जी जी, मैं समझता हूं बिल्कुल। इसलिए मैं आपकी इस प्रेस मीट में घुसा है, माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे आपके सिर्फ 3 सेकंड चाहिए बस। एक्चुअली मिस्टर सिंह, अभी इट्स अ रियली रॉन्ग टाइम, अदरवाइज 3 सेकंड बस। ये मैं जानना चाह रहा हूं कि आप इस लड़की को जानती हैं? पहचानती हैं? जी नहीं, मैं पहली बार देख रही हूँ। कौन है? तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर, तुम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसके प्राइवेट अफेयर की बात कहोगे और वो तुम्हें हाँ कहेगी? देखो सोनिया, ऐसे में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं किस पे यकीन करूं। आप तो उसी पे यकीन करेंगे ना डॉक्टर, क्योंकि मैं बीमार हूं। लेकिन मैं तुम्हारी बात पर यकीन करना चाहता हूं। तुम अपनी बात बताओ तो सही, बताओगी नहीं तो यकीन कैसे करूंगा? मुझे इश्क सिखा करके दुनिया ये समझती थी कि बरखा और मैं फ्रेंड्स थे, लेकिन वी वर मोर देन फ्रेंड्स, अ लॉट मोर। बरखा और उसके पति करण की शादी महज एक कन्वीनियंट अरेंजमेंट थी। प्यार वो मुझसे करती थी, एटलीस्ट ये मेरा मानना था। इलेक्शंस नज़दीक आ रहे थे और एक दिन जब बरखा मेरे घर से निकली, तब मैंने देखा कि करण का कैंपेन मैनेजर बॉब आनंद बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। बॉब के पास मेरी और बरखा की तस्वीर थी, सबूत था उसके पास हमारे प्यार का। बरखा ने मुझसे कहा कि करण ने उसे पब्लिकली बेइज्जत करने की धमकी दी है। बहुत डरी हुई थी वो चाह रही थी कि कुछ वक्त तक हम मिलना बंद कर दें और फिर एक बार जब इलेक्शंस ख़त्म हो जाए तब वो करण को छोड़कर मेरे पास आ जाएगी। मेरी समझ में आ रहा था कि बरखा मुझे छोड़कर करण के पैसे और पावर को चुन रही थी। आफ्टर ऑल, जिसने करण से शादी पैसों के लिए की थी, वो प्यार के लिए उसे कैसे छोड़ सकती है? लेकिन मैं वो लड़की नहीं जो हार मान ले। मैंने भी बरखा से कह दिया कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगी और सारी सच्चाई बता दूंगी, लोगों को बेनकाब कर दूंगी उसे और उसके करण को। अगर मैं ऐसा करती, उसके पहले ही उन तीनों ने एक होकर मेरे साथ एक गंदी चाल चली, अपना इन्फ्लुएंस यूज करके मुझे इस मेंटल असाइलम में बंद कर दिया। अब इस बीमार की बात कौन मानेगा? मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको सच बता भी दूं तो भी लोगों को मेरा सच झूठी लगेगा। सोनिया, अगर तुम्हारे साथ वाकई ये सब हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है। अगर आपको लगता है कि बुरा हुआ है तो प्लीज मुझे यहां से जाने दीजिए। इतना आसान नहीं है, पेशेंट्स को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, थोड़े टेस्ट्स करने पड़ते हैं। तब तक बहुत देर हो जाएगी। किस बात की देर? डॉक्टर, मैं इलेक्शन से पहले उन तीनों को मार देना चाहती हूँ। मुझे उन तीनों को खत्म कर देना है। डॉक्टर, आप मुझे जाने देंगे या नहीं? Will you let me go or not? मुझे उन तीनों को मारना है डॉक्टर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 20 जनवरी 2019, सोनिया मेहरा ने न जाने मुझे कितने सवालों के उधेड़बुन में डाल दिया है। क्या सोनिया की दिमागी हालत ठीक है या नहीं? जो लड़की लोगों का खून करना चाहती हो वो ठीक तो नहीं हो सकती। ये क्या मुंह फाड़ के हंस रही है? तुम लोगों पर क्यों? तुम लोग सोनिया को यहाँ कैद करने की सोच रहे हो ना?
नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो अब हर कैद से रिहा होने जा रही है। ओह, रियली? मेरी शागिर्द है, उसके लिए इतना करना तो जरूरी था। मैंने ही उससे कहा, सारी बंदिशें जिस्म पर है, रूह तो आजाद है। अगर उसे अपने दुश्मनों से बदला लेना है तो ये जिस्म दांव पर लगाना ही पड़ेगा। यहाँ जिस्म बाजी हारेगा और वहां रूह बाजी मार जाएगा। 22nd January 2019, this is the darkest day of my career. Sonia Mehra पिछले 3 दिनों से बहुत ही शांत नजर आ रही थी। धीरे धीरे मुझे यकीन होने लगा था कि द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि आई वॉज हॉरिबली रॉन्ग। इस बार मैं आपसे कोई सवाल करने नहीं आया हूं, सिर्फ ये किसी की अमानत आप तक पहुंचाने आया हूं। क्या है ये? मेरी एक पेशेंट थी सोनिया, जो चाहती थी कि उसकी मौत के बाद ये आप तक पहुंचे। मौत? कैसे? कौन है? थैंक यू। God, this is unbelievable. It's extraordinary. We need to find a way out of this. Sonia apna badla pura kar rahi hai. Barkha, Bob aur ab Karan. Karan ki jaan bachane ke liye pehle hame use jail se bahar nikalna hoga. Anyhow, jail mein use bachaye rakhne ka koi tarika nahi hai hamare paas. Believe me, Simran. ना मैं बरखा और सोनिया के बारे में कुछ जानता था और ना उन्हें अलग करने में मेरा कोई हाथ था। Bob did this to save my campaign. जानती हूँ, बरखा सोनिया को तुम्हारे पास नहीं आने देना चाहती थी और इसलिए उसने ये झूठ कह दिया कि तुम ऐसे ही सब जानते हो। अब 2 खून के इल्जाम है मेरे सर पर। पहले जहाँ मुझे लंबी जेल सेंटेंस नजर आ रही थी, वहीं अब उम्र कैद नजर आ रही है या फिर डेथ सेंटेंस। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा करण, भरोसा नहीं है मुझ पर। अगर है तो सिर्फ तुम पर। झूठ झूठ होता है, फिर वो किसी जिंदा इंसान का हो या किसी गोस्ट का। हमें सच्चाई की ताकत से झूठ का पर्दाफाश करना ही होगा। क्या मतलब? मतलब अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें सोनिया का सच कोर्ट के सामने साबित करना ही होगा। सिमरन, मैं जानता हूं तुमने मुझसे किसी भी किस्म की पर्सनल बात करने से मना किया था, लेकिन आज मैं ये कहना जरूरी समझ रहा हूं। आई लव यू, शायद पहले से भी ज्यादा। प्लीज डोंट फाइट दैट स्पिरिट, जो इतना खुल के इतनी शिद्दत से नफरत कर सकती है, उसको हराने के लिए उतनी ही शिद्दत से उतना ही खुल के प्यार करना पड़ेगा, जो तुम शायद मुझसे नहीं करती। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें अपनी जिंदगी को खतरे में डालना पड़े। सुमन, तुम ड्रग्स करने लगी हो क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? कोई भी जज ऐसी रूलिंग नहीं देगा, कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। मैं जानती हूँ सर, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने हर तरीका सोच लिया है इस केस में, सिवाय सच के करण की बेगुनाही साबित नहीं हो सकती है। तुम मुझसे क्या चाहती हो? स्पिरिट पोजेशन एक वेल डॉक्यूमेंटेड थ्योरी है और कई देशों में चर्च ने इसे ओपनली एक्सेप्ट किया है, और बाइबल में तो लिखा ही है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि कोर्ट में स्पिरिट पोजेशन साबित कर दे। और आप ये कैसे साबित करेंगी?
आत्मा को समन भेजना होगा शायद। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। I'm sorry, मैं इस पागलपन का हिस्सा नहीं हो सकता। Oh come on Sid, तुम एक बार जज से बात करोगे तो ये पॉसिबल हो सकता है। After all you're a judge too, और फिर हम कोई कानून बदलने की बात नहीं कर रहे, सिर्फ सच सामने लाने की इजाजत मांग रहे हैं। एक बेगुनाह को सजा से बचाने के लिए कानून इतना भी नहीं कर सकता। तुम उसे प्यार करने लगी हो ना, इसलिए कर रही हो सब। मुश्किल से मिली है वो भी एक। I guess I'll save this one for later. It's Sid. Hello. Permission मिल गई है। Thank you so much, Sid. मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतने खुश मत हो, पहले पूरी बात ध्यान से सुनो। जज ने दो conditions रखी हैं। हाँ बताओ। वीडियो कैमरास के अलावा तुम्हें दो कोर्ट अप्रूव्ड विटनेसेस अपने साथ रखने होंगे। That's fine. और जो लास्ट की डिमांड थी तुम्हारी वो तुम्हें मेडिकल कॉलेज से मिलेगी, जिसका खर्चा तुम्हारा क्लाइंट उठाएगा। Of course. Good. All the best. It's done. This is the room in which Sonia Mehra killed herself. Today, we will attempt to bring her soul back into this cadaver and prove that possession does exist. Absolutely.
Yasmin, can you hear me? Yasmin? सोनिया को यहाँ कैद करने के लिए एक सिर्फ तुम ही हो जिसे मुझे मारना था, बाकी सबको सोनिया की स्पिरिट मार देगी। बैठने की बड़ी गलती कर दी तुमने। वो सोनिया का घर है, उसके घर पहुँचा दिया। Don't fight that spirit. जो इतना खुल के इतनी शिद्दत से नफरत कर सकती है, उसको हराने के लिए उतनी ही शिद्दत से उतना ही खुल के प्यार करना पड़ेगा, जो तुम शायद मुझसे नहीं करती। Thank you.
pocket is the secret. This is extraordinary, truly. Mr. Douglas. We would have to go out and deal. And the public could never know this kind of truth. I simply cannot. Miss Simran. I agree. As long as the world knows Mr. Karan Khanna is innocent. कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरी पर मिस्टर करण खन्ना जिन पर अपनी बीवी और गर्लफ्रेंड के खून का इल्जाम था उन्हें कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। कानून के इतिहास के इस अजीब और गरीब केस में आज इंसाफ का एक नया पन्ना जोड़ा गया है। अब देखते हैं इलेक्शंस के रिजल्ट्स। कंजर्वेटिव पार्टी से मिस्टर जेरार्ड मर्फी को 3000 वोट्स मिले हैं, लेबर पार्टी से क्रिस्टीन साधर्न को 3200 वोट्स मिले हैं और नंबर वन पे 20,000 से ज्यादा वोट्स लेकर जीते हुए एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मिस्टर करण खन्ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम जीत गए। हम जीत गए। मैंने तुम्हें नफरत से बचाया और तुमने मुझे प्यार करना सिखाया। अच्छा, prove it. I love you. Say it again, please. Go be an MB. Well done. Congratulations. Thank you. This is for you. Thanks. Thank you.